रायसेन जिले के तहसील मुख्यालय बरेली और देवरी की सराफा दुकानों में हुई चोरी की वारदातों से जुड़े चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने खुलासा कर बताया कि पुलिस ने दूसरे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा है। सिकलिकर चोर गिरोह सोना चांदी की दुकानों की रेकी कर चोरी करते थे। सिकलिकर चोर गिरोह ने देवरी बरेली में ज्वेलर्स दुकानों को अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने गली मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो सिकलिकर गिरोह के सदस्यों की पहचान हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12,624,000 रुपए की मशरूका बरामद की है। सोना चांदी के जेवर कार सहित 1,00,000 रुपए कीमत की बाइक भी जब्त की गई। बरेली में और देवरी में विगत दिनों में ज्वेलरी की शॉप में चोरी हुई थी, जिसमें ताला तोड़ करके रात में चोर अंदर से ज्वेलरी का सामान सोने चांदी की ले गए थे। उसमें जो बरेली पुलिस है और बाद में देवरी पुलिस है, दोनों ने संयुक्त टीम बना करके आरोपियों का पता लगाया, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे लगभग 13 किलो चांदी और 38 ग्राम सोना ये बरामद किया है। ये जो चारों लोग हैं, ये 2 नरसिंहपुर के हैं और 2 स्थानीय हैं। इनके द्वारा इन दुकानों की रेकी की गई और उसके बाद ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जो सामान चोरी गया था उसमें से लगभग